गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर नाइन गांधी जी ए ग्रेट मैन। कल हमने आपको आधा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था, अब आगे देखिए ओपन पेज नंबर 49 ओपन कीजिए। इसमें देखिए वुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज, क्या मैं एक कप कॉफी पी सकता हूँ। ही ब्लर्टेड आउट, उसने धीरे से कहा। गांधी जी आंसर, गांधी जी ने उत्तर दिया विद ए पील ऑफ लाफ्टर, मुस्कुराते हुए बोले ओ अरे यू ओल्ड सिनर डेट इज व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो। एंड देन सी, यह देखकर द लुक ऑन द लैड्स फेस, लड़के के चेहरे को देखकर ही एडेड, उन्होंने कुछ और कह दिया। यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ ए कप ऑफ कॉफी, क्या तुम इच्छुक हो एक कॉफी पीने के लिए। यस, हाँ लाइट कॉफी, लेकिन कॉफी ऐसी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, विद समथिंग योर स्टोमक, जो तुम्हारे पेट को आराम दे। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफी, और तुम कॉफी के साथ क्या क्या चीजें लेना चाहोगे। आई डोंट थिंक, मैंने इस पर विचार नहीं किया। वी कैन मेक उपमा और डोसा, उसकी इच्छा है कि वह उपमा और डोसा लेना चाहेगा। बट बार्न टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफी, जो टोस्ट होगा बार्न टोस्ट होगा, कॉफी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है। आई शैल सेंड यू ए ट्रे, मैं ये दोनों चीजें ट्रे में रखकर लाऊंगा। गांधी जी लेफ्ट द रूम, यह देखकर सब सुनकर गांधी जी ने उस कमरे को छोड़ दिया। एंड और द लैड ले वेटिंग, और जो लड़का था वो लेट गया, इंतजार करने लगा। ही कुड नॉट बिलीव, उसने विश्वास नहीं किया। हिज गुड लक, अपने अच्छे भाग पर वह विश्वास नहीं कर पाया कि महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति मेरे लिए कॉफी और टोस्ट लाएंगे। कॉफी इन साबरमती आश्रम, कि जो आश्रम है साबरमती का, वहां पर कॉफी अलाउ है। एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, कि गांधी जी उसके लिए स्वयं इन चीजों को बनाकर ट्रे में रखकर लाएंगे। गांधी जी कॉटेज, जो गांधी जी की कुटिया थी, वॉज एट द अदर एंड, दूसरे एंड पर थी, छोर पर थी ऑफ द आश्रम, आश्रम के दूसरे छोर पर स्थित थी। ए गुड वे अक्रॉस द रोड, जो हमारा बहुत ही अच्छा रास्ता था रोड के आर पार। द लैड कुड वेल इमेजिन, अब वो लड़का भली प्रकार से कल्पना करने लगा। व्हाट वुड हैपन, अब क्या होने वाला है। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन, गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा, कि गांधी जी कस्तूरबा तो उनकी पत्नी थी, वो आवाज लगाएंगे इन हर किचन, अपने रसोई में। एंड आस्क फॉर कॉफी, और उनसे कहेंगे कि कॉफी बना दो। एंड टोस्ट, और टोस्ट लाके रख दो। बट लेकिन इट वॉज एन अल्टी मिली आवर, यह असमय समय था। द किचन वॉज क्लोज, जो उनका रसोई थी वो बंद थी। बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग दैट, वो गांधी जी अपनी पत्नी को बा कहकर बुलाते थे। बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग दैट, गांधी जी ने विचार किया जो बा है उनकी पत्नी है वो आराम कर रही होंगी। हैड ही कॉल्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, क्या वो गांधी जी उन्हें परेशान करेंगे। सम 20 मिनट पास, 20 मिनट गुजर गए। हार व्हाट वॉज द रेड साउंड, तब क्या हुआ, एक आवाज उस लड़के को सुनाई दी। द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल, वह आवाज क्लिक क्लिक करके आ रही थी, जो गांधी जी लकड़ी के जो सैंडल पहनते थे उनसे आवाज उत्पन्न हो रही थी। हैड द कॉफी बीन कॉल्ड ऑफ, अब लड़का विचार करने लगा शायद कॉफी आ रही होगी। हिज हार्ट सैंक विद हिम, उसका हृदय बहुत ही उछलने लगा। बट लेकिन देयर वॉज गांधी जी कैरिंग ए ट्रे, गांधी जी एक ट्रे लेकर आ रहे थे, कवर्ड विद ए व्हाइट नैपकिन, जो ट्रे थी वो सफेद नैपकिन, सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। द लैड वॉट डेड, लड़का भाव विभोर हो गया। वॉट हैड रियली हैपन, क्या ये वास्तव में हो रहा है।
गांधी जी वॉज स्पीकिंग, गांधी जी बोल रहे थे. नाउ अब हियर इज योर कॉफी, यह तुम्हारी कॉफी है एंड टोस्ट, और तुम्हारा ये टोस्ट है. एंड माइंड यू आई मेड द कॉफी माइसेल्फ, गांधी जी ने कहा मैंने आपके लिए कॉफी स्वयं बनाई है. नाउ अब लाइक ए गुड साउथ इंडियन, कि जो तुम लड़के हो वो साउथ इंडियन से बिलोंग करते हो. विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफी, अब तुम विचार करोगे कि ये जो कॉफी बनाई है बहुत ही अच्छी होगी. अब पेज नंबर 50 देखिए. बट लेकिन विस्पर्ड द लैड, अब जो छोटा लड़का था वो धीमे से कहने लगा. Why did you not ask someone else to bring this for me? Why did you not ask? आपने किसी से नहीं कहा था else to bring this for me, कि ये चीजें कोई दूसरा व्यक्ति भी ला सकता है. I am so sorry, मुझे माफ कीजिए. I put you to this trouble, कि मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता. Now, अब don't ruin your coffee, अब अपनी कॉफी बर्बाद मत करो. कोल्ड कॉफी इज बैड कॉफी, गांधी जी ने कहा जो कोल्ड कॉफी होती है, ठंडी कॉफी होती है, वो कैसी होती है? बैड कॉफी, बहुत ही बुरी कॉफी कहलाती है. यू सी, तुम देख रही हो, बा वाज टेकिंग दैट, बा आराम कर रही हैं, उनकी पत्नी. एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं उनको डिस्टर्ब परेशान करूं. एंड देन, तब उसके बाद ही सेड सडनली, तब उन्होंने अचानक कहा, वेल भली प्रकार से, आई शैल लीव यू, मैं तुमको छोड़ दूंगा. नाउ अब समवन विल कम फॉर द ट्रे, समवन विल कम, कोई भी व्यक्ति ला सकता है फॉर द ट्रे, ट्रे को. ही वेन, वह चले गए. द कॉफी वॉज लाइट, कॉफी बहुत ही हल्की थी. वट एक्सीलेंट, बहुत ही स्वादिष्ट थी. द लैड शिफ्ट, लड़का था चुस्की ले लेकर पी रहा था. एज इफ, ऐसा मानो कि इट वॉज ए डेलिशियस ड्रिंक, कि वह स्वादिष्ट ड्रिंक पी रहा हो. बट लेकिन ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वह परेशान हो गया था. हिज माइंड आईज सॉ गांधी जी मेकिंग द कॉफी, उसका जो दिमाग की आंखें थी उन्होंने देखा कि गांधी जी ने स्वयं कॉफी बनाई है. एंड टोस्ट हिमसेल्फ, और मेरे लिए टोस्ट लाई है. एंड नॉट टू डिस्टर्ब अदर, और किसी भी व्यक्ति को उन्होंने परेशानी किया. एट अल्टीमेटली आवर ही वॉज ओवरब्लेम्ड, वह लड़का भाव विभोर हो गया. इस प्रकार हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया.